के रही ओ रे खबरिया मेरे राम जी धनी। खबरिया मेरे राम जी धनी राख रही ओ रे खबरिया मेरे राम जी धनी। की राम जी धनी जब राम जी धनी है तो काहे की कमी राख रहियो रे खबरिया मेरे राम जी धनी राख रहियो रे खबरिया मेरे राम जी धनी राख रहियो रे खबरिया। बोले रामचंद्र भगवान। देखिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि आखिरी में रावण ने विचार कर लिया कि अब मैं किसी को लड़ने नहीं भेजूंगा, मैं स्वयं जाऊंगा। तो रावण जब स्वयं लड़ने आया ना, पुत्र के दुख में दुखी है, भाई का मरण याद है, इतना क्रोधित है, आकर के दुर्वचन कहने लगा रामादल में। दुर्वचन कहने लगा राम जी के लिए। और विभीषण जी सामने आए, विभीषण जी तो विभीषण जी को ऐसी शक्ति मारी, राम जी देख रहे थे कि रावण ने जो शक्ति विभीषण को मारी है अगर इनके लग गई तो विभीषण के प्राण चले जाएंगे, विभीषण के प्राण चले जाएंगे। और जो कहते हैं ना किष्किंधा कांड में सोपाई, भगवान कह रहे हैं जो न मित्र दुख होई दुखारी, जो मित्र के सुख दुख में साथ ना दे वो कैसा मित्र। राम जी ने क्या किया, वहां पे अपना सखा धर्म मित्र धर्म निभाया। जैसी शक्ति विभीषण पे छोड़ी रावण ने, राम जी ने क्या किया, तुरंत विभीषण पाछे मेला, तुरंत विभीषण पाछे मेला। राम जी आगे आ गए, विभीषण को पीछे कर लिया, अब वो शक्ति लग गई कौन में, राम जी में। अब जो जगत के स्वामी हैं, जगत आधार हैं, ऐसी शक्ति थी कि जिसके नारायण के भी लग गई ना, तो तुलसीदास जी लगते हैं कि भगवान को असर तो हुआ है उस शक्ति का, असर तो हुआ लेकिन क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए भगवान को उस शक्ति का असर तो हुआ। विभीषण की आंखों में आंसू भर आए कि भगवान ने मेरे लिए, परमात्मा ने मेरे लिए और शक्ति अपने ऊपर ले ली, शक्ति अपने ऊपर ले ली। भगवान कहते हैं कि भक्त मेरे पग धरे, भक्त मेरे पांव धरे, वहां धरूं मैं हाथ। कितनी बड़ी बात है, भगवान कहते हैं कि भक्त मेरे पग धरे
वहां धरू में हाथ और सदा संग लागत फिरों कबू न छोड़ू साथ। कभी साथ नहीं छोड़ते। लेकिन एक बात और है, भगवान कहते हैं अगर मुझसे प्रेम करेगो तो तू तो पांव धरेगो मैं वहां हाथ धर दे, तेरे कांटे नहीं लगने दूंगा, हथेली पे पांव रखवा लूंगा तेरे। लेकिन अगर भगवान कहते हैं मुंह से अगर काट करेगो, मुंह से प्रेम नहीं करेगो, मुंह से विरोध रखेगो, मुंह से अगर विरोध रखेगो तो भगवान कहते हैं कि जो तू मुंह से प्रेम करे तो गोद बिठार खिलाऊं, जो तू मुंह से प्रेम करे तो गोद बिठार खिलाऊं। अगर तुम उसे प्रेम करेगा तो तेरो पिता बन जाऊंगा। भक्त मेरे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ और सदा संग लागत फिरों कबू न छोड़ू साथ, और जो तू मुझसे बैर करे तो मैं लोहे की लाट। भगवान कहते पर मैं लोहे को डंडा भी हूं, फिर मैं लोहे का डंडा भी हूं। आज देखिए विभीषण की शक्ति को अपने ऊपर ले लिया। अच्छा रावण संग में कौन ही लायो? एक बात है सभी स्रोत हाँ सभी जो कथा श्रवण करने पधारे हैं, सभी भक्त माताएं बहनें हमारे भाई सभी कथा की आरती के बाद सभी का भोजन यही होगा। भोजन तैयार, प्रसादी तैयार हो रही है, तो सभी कथा श्रवण के बाद, कथा सुनने के बाद आरती करवाएं, और आरती के बाद में आप सभी यही भोजन करें, तब अपने अपने घर जाएं। गल्ला सरकार की जय। रावण ने साथ में कौन ही लाया है? देखिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण के पास में कुछ कछु सेना ऐसी है जो अमर है। कछु सेना ऐसी है रावण पे जो अमर है। अमर सेना को भेजा, अमर सेना आ गई। विभीषण जी दौड़ कर गए भगवान के पास, बोले प्रभु अब मुश्किल है। बोले क्यों? विभीषण बोले कि जो सेना भेजी है ना रावण ने वो अमर है, और जो अमर है उसे कोई मार नहीं सकता। अब वे तो मरेंगे नहीं, वे तो अमर है कछु राक्षस, तो वे बंदरों को रामा दल की सेना को मार देंगे। अब राम जी भी चिंता में कि अमर सेना से कौन लड़े, जो मरेंगे ही नहीं बिन से कौन लड़े। हनुमान जी आ गए सामने। हनुमान जी बोले राम जी से कि प्रभु रावण की अमर सेना से जो तुमरो अमर लड़ेगा। हनुमान जी भी तो अमर हैं, जानकी जी सीता जी ने। राम जी बोले तुम अमर कब से हो गए, तुम अमर कब से हो गए? हनुमान जी बोले अशोक वाटिका में गए थे ना, तो मैया ने वरदान दे दो अजर अमर गुण निध सुत हो। राम जी पूछ रहे तुम अमर कब से हो गए? आज हनुमान जी बोले कि तुम्हें पतो नहीं है प्रभु, हम जब लंका गए थे तो मैया से मिले तो मैया ने हमें अमर कर दिया। अजर अमर गुण निध सुत हो, हम भी अमर हैं। राम जी से हनुमान जी बोले कि तुम्हारे जी अमर जो राक्षस ने अमर सेना भेजी है ना, इनसे मैं लड़ूंगा। अब हनुमान जी भी सोचने लगे कि इनसे लड़ूं कैसे, इन्हें मारूंगा तो ये मरेंगे नहीं, तो क्या उपाय किया जाए? हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूछ बढ़ाई, पूछ और पूछ में पूरी सेना बांधी और आकाश में उड़ गए। इतनी ऊपर उड़े, इतनी ऊपर उड़े, कोई भी चीज हो, जब
जब ज्यादा ऊपर चली जाती है ना तो बाप बाकी पृथ्वी पे लौटने की क्षमता खत्म हो जाती है। पृथ्वी पर लौटने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो बीच में ही अटकी रहती है। हनुमान जी उन्हें इतने ऊपर लेके गए, बस सेनाएं अमर सेना इतनी ऊपर ले गए, इतनी ऊपर ले जाके छोड़ी के वो बीच में ही लटकी रही, ना वो आज तक कहीं पृथ्वी पे लौटी ना मरी। अच्छा हनुमान जी से सब लड़े, कुंभकर्ण में भी हनुमान जी ने मुष्टिका मारी, धरती पे गिर पड़ो, मेघनाथ ने भी हनुमान जी को बल देखो, और रावण से भी हनुमान जी बोले, रावण आया है ना, तब रावण भी हनुमान जी से लड़ा है, रावण हनुमान जी से लड़ा, रावण हनुमान जी से को देख के बोला कि तूने पहले आज मैं तुझी से निपट लूं, पहले आज मैं तुझी से निपट लूं, तूने मेरे पुत्र को भी मारा, मेरी लंका जलाई। रावण से हनुमान जी बोले कि देखो लंबो चौरो युद्ध तो अपन करेंगे तो टाइम हो जाए। हनुमान जी बोले ज्यादा लंबो लंबी लड़ाई अपन लड़ेंगे दोनों तो देर लगेगी। रावण बोलो फिर कैसी लड़ाई? हनुमान जी बोले एक एक मुष्टिका की हो जाए, एक एक मुष्टिका की हो जाए, एक तुम हम में दे, एक हम तुम में देंगे, एक तुम हम में मारो। बोले रामचंद्र भगवान की, तो एक एक मुष्टिका की लड़ाई कैसी भाई? अब रावण बोला कि पहले हम मारेंगे, पहले हम मारेंगे। अब रावण को ऐसा लगा कि मैं ऐसा मारूंगा कि जो उठ ही नहीं पाएगा तो जो दो कैसे मारेगा। रावण बोला कि पहले मैं मारूंगा। हनुमान जी बोले कि आप मारो। हनुमान जी में जब रावण ने मुष्टिका मारी ना, तुलसीदास जी लिखते हैं, देख पवन सुत धायो बोलत बचन कठोर, आवत कपि हनोती मुष्ट प्रहार प्रघोर। और जैसी रावण ने एक मुष्टिका हनुमान जी के मारी ना, तो जान टेक कपि भूमि ना गिरा, जान टेक कपि भूमि ना गिरा। हनुमान जी गिरे नहीं है लेकिन घुटनों टेक लो, इतनी ताकत तो है रावण में कि हनुमान जी को गिरा तो नहीं पाया, लेकिन हनुमान जी में जब उसने मुष्टिका मारी, हनुमान जी ने एक घुटना पृथ्वी पर टेक दिया। अब हनुमान जी बोले रावण से कि अब हमरो नंबर है, अब हमारा नंबर है। रावण घबरा गया कि मैंने इतनी जोर से मारी तो जो सिर्फ घुटनों टेक के रह गो पृथ्वी पे, अब जो मारेगा तब का होगा। अब हनुमान जी बोले अब हम मारेंगे। जब हनुमान जी ने मुष्टिका मारी ना, तो रावण को ऐसा लगा मानो इंद्र ने वज्र मार दिया हो, इंद्र को वज्र लग गया हो। तो हनुमान जी तो सिर्फ घुटनों टेक के रह गए थे रावण ने मारी, लेकिन तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि रावण मूर्छित हो गया, जमीन पे गिर पड़ा और कई घंटों बाद होश में आया कि मुठका एक ताए कपी मारा, परियुसे ले जनु बज्र प्रहारा, मुष्टिका एक ताए कपी मारा, ये परे उसे ले जनु बज्र प्रहारा, मुष्टिका जब पड़ी रावण बेहोश हो गया, तो पूरे बानर भालू हनुमान जी से बोले कि
हनुमान जी से क्या बोले, क्या हनुमान जी कि जो हो ना सके किसी और से फिर बाके सहारे हनुमान है, जरा प्रेम से मना लो इनको बजरंग बली बलवान है। और दुनिया में जो काम कोई सुनो, जो हो ना सके किसी और से फिर बाकी सहारे हनुमान है, जरा प्रेम से बना लो इनको कि बजरंग बली बलवान है। ये जो हो ना सके किसी और से अरे उनके सहारे हनुमान है। नंदन सब दुख भंजन मन भावे सो कर सकते हैं, मन भावे सो ही कर सकते हैं। अंजनी नंदन सब दुख भंजन जे मन भावे वो कर सकते हैं, मन भावे सो ही कर सकते हैं। और किसी देवता का प्रताप, किसी देवता का प्रताप सतयुग में था, कंके देवता की त्रेता में चली, कंके देवता को नाम द्वापर में चलो, लेकिन हनुमान जी का इनका चारों युगों में नाम है, इनका चारों युगों में नाम है। और करे शर्मा तेरा गुणगान है, जो हो ना सके किसी और से अरे उनके सहारे हनुमान है। बोलो सिया राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो सिया राम जय राम जय जय राम। बोले हनुमान जी महाराज जय हो, बोली राजा राम चंद हो जय हो। देखिए भगवान से पूछा गया कि रावण से आप युद्ध करेंगे, रावण से, और रावण रथ में बैठा है, आप हैं धरती पर खड़े, सोवा नहीं देगा। भगवान से कहा कि आप भी रथ मंगा लो। भगवान बोले कि रथ है मेरे पास, भगवान बोले कि रथ है मेरे पास। बोले कहाँ है रथ, आप तो जमीन पे खड़े हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा शौर्य मेरा धैर्य ये रथ के दो पहिया हैं। रथ काय को बताओ भगवान, मेरा शौर्य और धैर्य रथ के पहिया हैं।
और मेरे सदाचार मेरे गुण जा रथ की ध्वजा है। सौर धीर ते रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। भगवान कहते हैं कि बल विवेक और परोपकार, बल विवेक दम यानी इंद्रियां और परोपकार के हो गए चार। भगवान बोले जे चार ही मेरे रथ के घोड़ा हैं, ये चार ही मेरे रथ के घोड़ा हैं। भगवान कहते हैं कि भजन भजन उस भजन रथ को सारती है। मैं जो भोलेनाथ का भजन करता हूँ 24 घंटे वो है मेरे रथ को सारथी। जब भगवान के भजन को सारथी बना लोगे तो रथ गलत रास्ता पे जाएगा ही नहीं, रथ गलत रास्ता पे जाएगा नहीं। देखिए हम कहीं पे घूमने जाएं मोटरसाइकिल से, जब जाएंगे तो हमको सबसे बचते हुए जाना पड़ेगा। ट्रक भी आएंगे सामने, आदमी भी आएंगे, तो बोले ऐसो साधन कछु ढूंढो ते अपने मेहनत करने न पड़े और निष्फिकर होके यात्रा भी हो जाए, निष्फिकर होके यात्रा। तो सबसे बढ़िया क्या है, बस में बैठ जाओ फिर ड्राइवर जाने कुर्सी पे आंख मूछ के बैठ जाओ। ऐसी दुनिया की झंझटों को छोड़ करके भगवान की भक्ति में लग जाओ, भक्ति में बैठ जाओ और ड्राइवर बना लो भगवान, जिंदगी के ड्राइवर बना लो भगवान को और उनसे कह दो कि हम तो आंखें मूछ के बैठे हैं, अब चाहे तुम बस गड्ढा में गिरा दो, चाहे सही रास्ता में तुम जानो कहां ले जाना, तुम्हें जानो कहां ले जाना है। और जो शरीर है ना, संत कहते हैं कि जो शरीर रेल जैसो है, रेल होता है ना, रेल जैसो है। बोले रेल जैसो कैसो, रेल दो बत्ती होते हैं, रेल रेल होती है दो प्रकार की, एक होता है सुपर फास्ट, एक होता है पैसेंजर। तो जब तक जो शरीर में कछु बीमारी नहीं आई, शरीर जवान है, तब तक जो का है सुपर फास्ट है। और जैसी बीमारी लग गई बुढ़ापो आ गया, जब बन गई पैसेंजर, जब कब बन गई फिर पैसेंजर, भदोरे बिठाड़ी रे म्याना बदरवास भी पिट जाए। तो बुढ़ापो आ गया जब पैसेंजर हो गई और जवानी रही जब तक सुपर फास्ट है। अच्छा एक बात और है कि रेल जैसो सिस्टम है कि रेलगाड़ी में स्टेशन पे हजारों लोग उतरते हैं और हजारों बैठते हैं, ऐसी जिंदगी है। हजारों मिलते हैं जिंदगी में, हजारों बिछड़ जाते हैं, हजारों मिलते हैं हजारों बिछड़ जाते हैं। दुनिया की जो रेलें चल रही हैं, जो कार से चल रही हैं डीजल और पेट्रोल से, पर अपने शरीर की रेल कार से चल रही है जसू, ये शासन से, जो शासन को डीजल खत्म हो जाएगा बाद में रेल रुक कर रह जाएगा। जीवन हमारा एक रेल है, जीवन हमारा एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन हमारा एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। और देखिए गाड़ी में बैठोगे रेल में और टिकट नहीं कटाओगे तो बैठने नहीं दिया जाएगा। ऐसी दुनिया में आए हो और भगवान के भजन को टिकट नहीं कटाओ ना तो ऊपर भी कोई इज्जत नहीं रह रही। अगर भगवान के नाम को टिकट नहीं कटाओ भजन को तो ऊपर सोई ऐसी भगा दे जाओ। अरे गाड़ी में बैठो टिकट कटा लेना, ये गाड़ी में बैठो टिकट
टिकट कटा लेना, वो मालिक पूछेगा उसे बता देना। साड़ी में बैठू टिकट कटा लेना, मालिक पूछे तो उसे बता देना। और दुनिया की रेल को आगे, ट्रेनें आगे को बढ़ाते स्टेशन मास्टर हरी झंडी बताएगा तभी तो आगे बढ़ेगी। ऐसे ही है जो शरीर जो भी कब आगे बढ़ेगा, जब भगवान की इच्छा होगी। जैसे रेल में गाड़ी में चढ़ते और उतरते हैं, जीवन में मिलते और बिछड़ते हैं। गाड़ी में चढ़ते और उतरते हैं, जीवन में मिलते और बिछड़ते हैं। दुनिया की रेल चल रही है डीजल पेट्रोल से, लेकिन जगह चल रही है सांसों का। जब तक इसमें तेल है, आवाज मंदी कर ली। सांसों का जब तक इसमें तेल है, तब तक जा चालू अपनी रेल है। भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति का भगवान कहते हैं बल विवेक दम और परोपकार इंद्रियां जी मनुष्य की रथ के घोड़े हैं। ये रथ के घोड़े भगवान कहते हैं कवच है, तो भगवान ने कवच काय को बताओ। भगवान बोले कवच है मेरे पास जिसमें बाण पार नहीं हो सकता, ऐसा कवच है। बोले काय को कवच है, तो राम जी बोले कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। कवच अभेद कवच है काय को, जो मैंने ब्राह्मणों की पूजा करी, गुरु का सम्मान किया, गुरु की पूजा करी, संतों की सेवा करी। राम जी बोले वो कवच है। भगवान कहते हैं जिसके पास में ऐसा रथ होता है ना, ऐसा कवच होता है, सका धर्म में अस रथ जाके, ऐसा रथ जिसके पास होता है, जितन कहे ना कतौ रिपुता के, उसको कभी भी शत्रु जीत नहीं सकता। उसको कभी शत्रु जीत नहीं सकता। अच्छा भगवान जब राम रावण का युद्ध हुआ, भगवान बार बार रावण के शीश और भुजाओं को काटते हैं बार बार, लेकिन बार बार जुड़ जाते हैं बार बार। तब तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब भगवान को परेशान देखा, जब रावण ने शक्ति छोड़ी विभीषण पर, तो राम ने अपने हृदय में ले ले। आज जब राम परेशान हो रहे हैं, रावण की भुजा शीशों को काट रहे हैं, लेकिन वो दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण बोले अब हम, राम ने अपना सखा धर्म निभाया, अब मैं भी अपना मित्र धर्म निभाऊंगा। विभीषण जी राम जी के पास गए तो क्या बोले, प्रभु आप इसे नहीं मार सकते। भगवान बोले क्यों? विभीषण जी बोले के इसके नाभि में अमृत कुंड है, जब तक वो अमृत नहीं सूख जाएगा आप इसे नहीं मार सकते, उसी के बल से जिंदा है।
की नाभि कुंड पीयूष बस जाके नाभि कुंड पीयूष बस जाके नात जियत रावण बलता के नात जियत रावण बलता के सुनत विभीषण वचन कृपाला सुनत विभीषण वचन कृपाला विभीषण जी बोले नाभि कुंड पीयूष बस जाके नात जियत रावण बलता के विभीषण की बात सुनी ना भगवान को हंसी आ गई। अच्छा हंसी क्यों आई? दो कारण है। भगवान को इसलिए भी हंसी आई कि हमसे कितना प्रेम करते हैं विभीषण, हमसे कितना प्रेम करते हैं, हमारी कितनी चिंता है। एक तो कारण जो बहु दो संत थे, दो महात्मा बैठे थे आपस में बतरा रहे कि जब विभीषण ने रावण के मरने की विधि बताई राम जी को तो राम जी क्यों हंसे। तो एक संत बोले कि राम जी कैसे हंसे कि राम जी को कितन प्रसन्न भाई राम जी के विभीषण को हमारी कितनी चिंता। दूसरे संत बोले कि नहीं तैसे नहीं हंसे हम बताएं। बोले बताओ। तो दूसरे संत बोले भगवान तैसे हंसे कि जो भैया है मरवा रहा जो भैया ही को ना भाव जो मेरो का हो। नहीं पुराने लोग कहते ना कि जो जो भैया को ना हो वो कोई को नहीं। तो वे संतन की आपस को सत्संग सुनत विभीषण वचन कृपाला हरस गए कर बाण कराला भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान ने एक बाण से नाभि के अमृत को सोख दिया देर नहीं लगाई शायक एक नाभि कर सोसा अपर लगे भुज सिर कटिरोसा। भगवान ने देर नहीं लगाई और उसके नाभि कुंड के अमृत को सोख लिया और रावण के सिर अब कट कट के जमीन पर गिरने लगी भुजा जमीन पर गिरने लगी। अच्छा भगवान ने कितने बाण मारे? 31। कितने बाण? 31। एक नाभि कुंड के लिए 20 भुजाओं के लिए 31 और 10 सिरों के लिए 31 बाण चलाए। लिख रहे तुलसीदास खेच सरासन श्रवण लग कान तक खींचे और बाण कितेक छाड़े सर 31। सर यानी बाण छाड़े सर 31 31 बाण छोड़े। और तुलसीदास जी लिखते हैं जब रावण गिरा है ना तो बाकी गिरवे से धरती हल गई डोली भूमि गिरत दसकंदर। अरे डोली भूमि गिरत दसकंदर धरती हल गई पर्वत और समुद्र जो है हिल उठे। अब देखिए जो रावण की 20 भुजा थी 20 18 तो वो बना तो शक्ति से
18 बजा तो वो शक्ति से पैदा करता था, लेकिन दो तो असली है तीन। तो जो असली भुजा और असली शीश, असली भुजा और असली शीश, रामायण लिखा है तुलसी कृत में कि राम जी के बाण वहीं छोड़ गए, कहां मंदोदरी के सामने, मंदोदरी के सामने, मंदोदरी आगे भुज शीशा, धर सर चले जहां जगदीशा, सर यानी बाण लौट के चले गए, शीश और भुजा, फिर भी मंदोदरी कहां पहुंची, जहां पे धड़ पड़ा हुआ है रावण, जहां पे मरा वहां पहुंची। मंदोदरी से पूछा गया कि आप वहां जाके क्या करोगी रणभूमि में, मंदोदरी कहती है कि मैंने जीवित, जब मेरा पति जिंदा था, मैं देखना चाहती हूँ कि आज भी वैसो ही है कि तनक वध बदलाव आओ। आई रणभूमि में, जोश की और भुजा थी, 20 भुजा कटी थी ना। कुछ विद्वान संत कहते हैं कि उन भुजाओं को कौवा उठा के ले जाए, कौवा, और कौवा भुजा को उठा ले जाते हैं, एक कौवा उठाता है, दूसरा कौवा उससे छुड़ा ले जाता है। मंदोदरी सोचने लगी, कहता था कि मेरे भुजाओं के बल से 10 दशानन के भुजाओं के बल में वो ताकत है, 10 दिक्पाल जिसके भुजाओं का डर था देवताओं को, जिसके भुजाओं का बल कैलाश पर्वत जानता था, जिन भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठाया, मंदोदरी ने देखा कि आज उन भुजाओं को कौवा उठा रहे, जिन भुजाओं ने कैलाश पर्वत उठाया, आज उन भुजाओं को मंदोदरी देख रही है कौवा उठा रहे हैं। इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है कि कितना भी विद्वान हो, कितना भी बलवान हो, अगर भगवान से विरोध करोगे तो यही हाल होगा जो रावण को भाव। अच्छा, रावण जब पृथ्वी पे गिरा, ये तो भगवान भी मानते थे कि रावण विद्वान, इस बात का पता तो भगवान को भी था कि इससे अच्छा कोई ज्ञानी ब्राह्मण नहीं है, तभी तो रामेश्वर पूजा वही से करवाई, तभी तो रामेश्वर की पूजा उसी से करवाई। और रावण जब धरती पे गिरा ना, तो लक्ष्मण जी को भी भेजा है राम जी ने कि रावण से मरने से, मर जाए इससे पहले इससे कुछ ज्ञान ले लो, ये विद्वान है। लक्ष्मण जी गई, लक्ष्मण जी, रावण जहां डला था धरती पे, लक्ष्मण जी पहुंचे और रावण से पूछने लगे, कहने लगे आप मरने से पहले मुझे कुछ राजनीति की शिक्षा दे दो। रावण नहीं बोला, लक्ष्मण जी फिर बोले कि मरने से पहले मुझे कुछ राजनीति की शिक्षा दे दीजिए, आप विद्वान हैं। रावण बोला नहीं, लक्ष्मण जी लौट आए। लक्ष्मण जी बोले कि वो तो बोलता ही नहीं है। राम जी बोले गए थे, लक्ष्मण बोले हाँ। राम जी बोले खड़े कहाँ भाई, खड़े कहाँ भाई, रावण के चरणन तरफ खड़े भाई के सिर तरफ, लक्ष्मण जी बोले सिर की तरफ, राम जी बोले अब जाओ चरणों की तरफ खड़े होना, सिर की तरफ खड़े मत होना। लक्ष्मण जी गए उसके चरणों के पास में खड़े भाई, और लक्ष्मण जी बोले आप हमें मरने से पहले कुछ राजनीति की शिक्षा दे दो। रावण ने कहा ठीक है। रावण बोला अपने धनुष्बाण हमें दे दो जी, धनुष्बाण मुझे दे दो। अब लक्ष्मण जी ने धनुष्बाण रावण को पकड़ा दिया। रावण बोला पहली शिक्षा यही है कि अपनों हथियार कोई मत दो, चाहे कोई मांगे, अपनों हथियार कोई मत दो। रावण राजनीति
वेद पुराण शास्त्र और इतना विद्वान कि जो शिव तांडव स्त्रोत्र है ना, ये रावण का ही लिखा हुआ है। इसकी रचना रावण ने करी। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले बलंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिका, इसकी रचना स्वयं रावण ने करी। आज भगवान की विजय नहीं भाई, ये तो धर्म की विजय भाई। पाप के ऊपर धर्म की विजय। मैया जानकी को लेने के लिए कौन गए? हनुमान जी। हनुमान जी को बुलाया। हनुमान अरे पुनी प्रभु बोले लियाओ हनुमान, प्रभु पुनी प्रभु बोले लियाओ हनुमान, पुनी प्रभु बोल लियो हनुमान। हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी बोले प्रभु क्या क्या है? हनुमान जी से राम जी बोले लंका जाओ कहे भगवान, लंका जाओ कहे भगवान। हनुमान जी से कहा राम जी लंका जाओ। हनुमान जी लंका में गए। अच्छा देखिए आप, हनुमान जी जैसी लंका में गए ना तो वैसे ही तो दुखी थे लंका के लोग, रावण मर गए। लेकिन हनुमान जी जब लंका में गए, हाथ जोड़ के पूरी लंका के लोग खड़े हो गए हनुमान जी के सामने। क्यों? कि ऐसो ना हो जाए पहले लंका जला गए थे रावण ने, मार ही तो जी अपने मार लिया। हनुमान जी को डर ज्यादा है, जितने राम जी को नहीं रहो लंका में। लंका के लोग तो हनुमान जी से डरते। जानकी जी को राम जी से मिलाया। और देखिए विभीषण जी को लंका का राज्य दे दिया। भगवान कहते हैं विभीषण करियु कल्प भर राज तुम मोय सुमरियु मन माही। भगवान कहते हैं कि कल्प भर राज करो और मुझे मन में सुमरते रहना, मेरा भजन करते रहना। और जब आप अपनी प्रजा का ध्यान रखो, भगवान रावण को मारने के बाद जब अयोध्या गए ना तो कैसे गए? पुष्पक विमान से, जो रावण ने कुबेर का छुड़ा लिया था पुष्पक विमान, उसी विमान से भगवान अयोध्या गए। जैसी भगवान पुष्पक विमान में चढ़े तो सब जैसी विमान चलने लगा। और ये चौपाई, जब भी आप कहीं सफर करें, यात्रा पे जाएं, किसी भी वाहन पे बैठे तो जिस चौपाई जरूर बोल के बैठे, भगवान हमेशा साथ रहेंगे। जैसी राम जी का विमान चला, कि चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कहे सब कोई, चलत विमान कोलाहल हुई जय रघुवीर कहे सब कोई। सभी बोलेंगे भगवान लौट के जब अयोध्या जा रहे हैं तो सभी ताली बजाएं और बोलें जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम।
चलत विमान कोलाहल होई जे रघुवीर कहे सब कोई। भगवान लौट के आए कहां प्रयागराज। प्रयागराज आए और मैया सीता जी ने इधर से गई थी ना इधर से तो गंगा मैया से कह के गई थी कि जैसे जा रहे हैं तीन ही ऐसी कुशल से लौटे आए आके तेरी फिर पूजा करूंगी। तो मैया ने लौट के जानकी जी ने गंगा का पूजन किया तब सीता पूजी सुरसरी। तब सीता पूजी सुरसरी बहु प्रकार पुनि चरणन परी गंगा मैया की पूजन करी। इधर हनुमान जी को भेज दिया हनुमान जी क्योंकि भरत जी कह के आए थे ना चित्रकूट में कि 14 वर्ष से अगर एक दिन भी ज्यादा हो गया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। भगवान बोले कि गैल में मिलत जाएंगे सबसे हम जब लौटेंगे तो सबसे मिलत जाएंगे। तुम जाओ हनुमान और भरत से कह देना कि हम लौट रहे हमारी खबर भरत को दे देना। इधर हनुमान जी चले गए अयोध्या भगवान सबसे मिलते भय आ रहे हैं। कौन मिले यहां निषाद सुना प्रभु आए। श्रृंगवेरपुर में यहां निषाद सुना प्रभु आए। निषाद राज ने सुना के भगवान आ गए। केवट से भी मिले भरद्वाज जी से भी मिलके आए अगस्त ऋषि से भी मिलके आए। जिन जिन से इधर से मिलत गए थे वो सबसे मिलते भाई भगवान वापस आ रहे। इधर हनुमान जी भरत जी के पास में पहुंचे। हनुमान जी ने देखा कि भरत जी क्या कर रहे हैं चिता बना रहे हैं। भरत जी बना रहे हैं चिता कि भगवान ने अगर आवे में देर लगाई तो मैं प्राण त्याग दूंगा। भरत जी चिता बना रहे हैं। हनुमान जी ब्राह्मण बन के गए। ब्राह्मण बन के पहुंचे हैं हनुमान जी। भरत जी कहते हैं बीत अवधि रही जो प्राणा। अगर भगवान ने जो समय दिया है तब लौट के नहीं आए और फिर जे प्राण रहे तो संकल्प काय का। बीत अवधि रही जो प्राणा अधम वचन जग मोह जग समाना। अगर मैंने मेरा प्राण नहीं निभाया भगवान से मैंने कहा था अगर एक दिन भी ज्यादा होगा तो मैं प्राण त्याग दूंगा। अगर मैंने मेरा वचन नहीं निभाया तो लोग मुझे जो है अधम कहेंगे। इसलिए भरत जी चिता बनाने लगे। लेकिन उसी समय हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी बोले भरत जी से ब्राह्मण भेष में रिपुरन जीत सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। भरत जी रिपुरन जीत राक्षसों को जीत कर देवता भी जिनके यश को गा रहे हैं सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। अब जैसी भरत जी से कहा कि भगवान सीता जी लक्ष्मण जी के साथ आ रहे हैं भरत जी बोले तुम कौन हो आप कौन हैं जो मुझे राम की खबर देने आए हैं। हनुमान जी बोले भरत जी बोले तुम कौन हो इतनी अच्छी वचन सुनाए आके इतनी अच्छी खबर सुनाई कि को तुम तात कहां से आए। को तुम तात कहां से आए। मोए परम प्रिय वचन सुनाए। मोहे परम प्रिय वचन सुनाए। को तुम ताते कहां से आए। हनुमान जी बोले मेरा नाम है हनुमान आप
से पहले मिल चुका हूँ मैं, अपनी दोनों की भेंट हो गई है। नाम मारुसुत, मारुत सुत में कपि हनुमान। हनुमान जी का नाम सुना भरत जी पहचान गए, जी तो बेही हमने बाण मारो, हमारा बाण जिनको लगा जी तो बेही है। हनुमान जी को तुरंत हृदय से लगा लिया। भगवान तो सीधा सी लिखते हैं, भगवान अयोध्या आए ना तो सबसे पहले कौन से मिले? सबसे पहले कैकई मैया से ही मिली। सबसे पहले भगवान कैकई माँ के भवन में गए। क्यों? कैकई मैया को ऐसो ना लगे कि मैंने बन को भेजे थे तो मुंह से सबसे पीछे मिले। भगवान सबसे प्रथम कैकई मैया से मिले। चारों भैयाओं का मिलन हुआ। अयोध्या इंतजार कर रही है जिस घड़ी का, कौन सी घड़ी कि राम राजा कब बने। संत महात्माओं को बुलाया, वशिष्ठ जी आ गए, गुरु वशिष्ठ तुझे लिए बुलाई। अब जैसी राम जी को राजा बनाने की तैयारी चलने लगी, राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, भगवान बोले अंगद नल नील जामवंत सब हैं, सब निषाद राज भी हैं, जितने भगवान के साथी थे वन में उस समय अयोध्या में सब थे। राम जी को राजा बनाने की तैयारी चलने लगी। आज भरत जी और राम जी का मिलन हुआ 14 वर्षों में। अच्छा एक बात और, जब राम जी और भरत जी गले से गले मिले, हृदय से हृदय मिला दोनों भाइयों का, पूरी अयोध्या खुश हो गई। राम और भरत मिले पूरी अयोध्या प्रसन्न हो गई। लेकिन दो आदमी ऐसे ठाड़े थे वहां बिने दुख भाव, दो जने ऐसे ठाड़े थे वहां तिने राम और भरत के मिलन पे दुख भाव, हृदय फटने लगा उनका, इतना दुख भाव। वे कौन है? विभीषण और सुग्रीव। राम जी बोले विभीषण और सुग्रीव से आपको खुशी नहीं भाई, हम दोनों भैया 14 वर्ष बाद मिले, आपको खुशी नहीं भाई, आप प्रसन्न नहीं है? विभीषण और सुग्रीव बोले के सुनो प्रभु, भले ही 14 वर्ष बाद मिले, तुम दो ही भैया मिल तो गए, लेकिन हम कैसे अब आ गए कि हम दो ही अपने अपने भैया ने मरवाया। उस समय दोनों के मन में दुख हुआ है। जब राम और भरत का मिलन हुआ तो विभीषण को रावण की याद आ गई और सुग्रीव को बाली की याद आ गई। सुग्रीव और विभीषण बोले प्रभु, भले ही 14 वर्ष लग गए लेकिन तुम दो ही मिल तो गए, लेकिन हम तो मरवाया है, हम लौट के जाएंगे तो हमारे भैया जीवित नहीं है, हम कौन से मिलेंगे, हम जाके हम जाएंगे तो हमारे भाई थोड़ी मिलेंगे। भगवान ने समझाया, धीरज बंधवाया और राम जी को राजा बनाने की तैयारी जब भई ना, तो राम जी बोले सब आ गए, भरत जी बोले सब आ गए, राम जी बोले देख लो कोई रहा तो नहीं है, भरत जी बोले कि कोई नहीं रहा, सब आ गए, सब मित्र आ गए, सब बंदी जन आ गए। अब राम जी जैसी मुकुट धारण करने वाले थे, मुकुट रखने वाले थे राम जी पे, राम जी ने राज्याभिषेक रोक दिया। राम जी ने कह दिया मैं तिलक नहीं लगवाऊंगा, मैं राजा भी नहीं बनूंगा। अब जनता फिर दुखी कि 14 वर्ष बाद लौटे, फिर मना कर रहे। अब राम जी से पूछा गया
बोले रामचंद्र भगवान की। राम जी बोले के मैं तिलक नहीं लगवाऊंगा, अभी मैं अभी राजा नहीं बनूंगा। सबने पूछा, भरत जी ने पूछा कि कछु गलती हो गई क्या? राम जी बोले के ते को मुंह पर रन है, ते मेरो निस्वार्थ मेरो सच्चो प्रेमी है। जो निस्वार्थ है वो तो आओ ही नहीं, जब वो आ जाएगा तभी हम राजा बनेंगे। अब बोले कौन है? भगवान बोले केवट। केवट ही बोला, क्योंकि केवट को रे नहीं मानो, केवट ने उतराई को कोसी लाओ तोड़ी है, फ्री में ही पार करे ना। केवट को बुलाया गया भेंट भाई, और सभी बड़े भाव से भगवान को तिलक सबसे प्रथम कौन ने किया? राजा बने सबसे पहला तिलक किया वशिष्ठ जी ने। कि प्रथम में तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पहला तिलक भगवान को वशिष्ठ जी ने किया। पुनि सब पे प्रण आयुष दीना, पुनि सब पे प्रण आयुष दीना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब राम जी राजा बने, राम जी का राज तिलक हुआ, तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पहला तिलक किया वशिष्ठ जी ने। इसके बाद सब माताओं ने तिलक किया, सभी भाइयों ने तिलक किया, और अयोध्या के जितने लोग हैं सबने भगवान को राजा बनाया, सबने तिलक किया। ऐसे ही आप लोग सब भगवान को तिलक करें, भगवान को राज्य अभिषेक का तिलक सभी करेंगे। आज भगवान राजा बन गए अयोध्या के, और भगवान को मुकुट बांधा जाए, वनवास से लौटे। बोले रामचंद्र भगवान की। सभी भगवान को देखिए।